नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि बैंक अकाउंट को परमानेंट क्लोज कैसे किया जाता है, और इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपनी बैंक की ब्रांच, यानी जिस बैंक में आपका खाता है उसकी ब्रांच में आपको जाना होगा और बैंक से आपको एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेना होगा। इसे भरकर बैंक में आपको जमा करना है। साथ ही साथ इस फॉर्म के साथ, यानी कि आपको बैंक में डी लिंकिंग फॉर्म भी सबमिट करना होता है। साथ में उपयोग में नहीं आई चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी आपको जमा करना होगा इसी बैंक का। इस सब प्रक्रिया का बैंक कुछ आपसे शुल्क लेता है। वहीं अगर आप 14 डेज के अंदर नया खाता उसी बैंक में खुलवा लेते हैं और उसके बाद अपना पुराना अकाउंट बंद करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो अगर आप के भी एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं और इन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं तो इन्हें बंद करना सही होता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें ताकि आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।